हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाता हूं। दोस्तों, अभी तक मेरे जितने भी वीडियो थे वो आपको नियम को समझाने के लिए थे। जो होल्ड पर गए हैं क्या वो चयन सूची में आएंगे, वो मैंने आपको समझाया। लेकिन कल से ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आई कि सर ये भी बता दें कि जो रिजेक्ट हुए हैं उनकी क्या आगे कोई सुनवाई होगी। क्या हम ये अपील कर सकते हैं कि हमें जो रिजेक्ट किया गया है जिस कारण से, उसे रीचेक किया जाए। डेफिनेटली दोस्तों, ये ज़रूर होगा। पहले हमें ये समझना होगा कि जो होल्ड पर गए हैं वो अभी ना चयन की सूची में है और ना रिजेक्ट की सूची में है। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो इस पर नियम पर बना दिए हैं और अधिकांशतः नियम क्लियर ना होने की वजह से बहुत से लोग होल्ड पर गए जो कि सिलेक्शन लिस्ट में आ ही जाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ उन्हें काफ़ी दुख हुआ। दोस्तों, क्यों हुआ दुख, इसका सबसे बड़ा कारण था कि 2018 से लेके और 2021 तक के सफ़र में वो हमेशा मेहनत करते रहे और इतने अच्छे नंबर लेके आए कि फाइनली उनका जो नाम था या तो वेटिंग में था या फिर सिलेक्शन लिस्ट में था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्हें कोई नया नियम पता चला या फिर उन्हें नियम क्लियर नहीं हो पाया था उस समय जब उन्होंने फार्म फिल किया था, तो उन नियमों के चलते वो अब जो है बाहर हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि अपनी योग्यता पूरी नहीं कर पाए थे, उस चक्कर में भी बाहर हो रहे हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं, सर हमारी योग्यता 2020 में पूरी हुई और अभी 2021 चल रहा है और भर्ती नहीं हुई है, तो हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। अब ये नियम ही ऐसा बनाए गए दोस्तों। नोटिफिकेशन में यही कहा गया कि जब वास्तविक विज्ञप्ति जारी होगी ज्वाइनिंग से संबंधित, उस समय तक आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। और विज्ञप्ति भी जो थी आपकी 31 दिसंबर 2019 की समथिंग हुई, यानी कि वर्ग एक की बात करें आपके 29 दिसंबर 2019 को जारी हुई और वही आसपास वर्ग दो की जारी हुई। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 31 दिसंबर 2019 तक आपकी योग्यता पूरी होनी ही चाहिए। अब इसका कोई सलूशन है नहीं दोस्तों अभी। हाँ, आगे चलकर हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में जो है नियम चेंजेशन हो और वहाँ पर मौका मिले, लेकिन फिलहाल वर्तमान की स्थिति में ये नियम बना हुआ है। फाउंडेशन कोर्स को जो है मान्यता नहीं दी गई, बहुत से लोग वर्ग दो में उसी चक्कर में बाहर हुए। 28/8/2018 का मैं काफ़ी आपके पास वीडियो लाया था दोस्तों, और मुझे यही लगा कि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, नंबर भी आप अच्छे ले आएंगे, लेकिन किसी नियम के चलते यदि आप रिजेक्ट हो गए तो वहाँ आपको कितना बड़ा आघात लगेगा। इसलिए नियमों को मैं समझाने के लिए रिपीट वीडियो लाया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ सही था, फिर भी आपको रिजेक्ट किया गया, तो क्या DPI आपको मौका देगी। डेफिनेटली फाइनल चयन सूची, फाइनल प्रतीक्षा सूची जब भी जारी होगी दोस्तों, उस टाइम पर आप आपत्ति और दावे कर सकते हैं, यानी कि टाइम दिया जाएगा। जहां आपके नाम के आगे लिखा होगा कि यदि आपको रिजेक्ट किया गया तो रिजेक्ट क्यों किया गया, उसका कारण मेंशन होगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ जो है गलत हुआ है और इसके लिए हमें DPI से अपील करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं और फिर से आपको रीचेक किया जाएगा। और यदि आपत्ति सही है तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। और यदि आप जो नियम पहले से क्लियर हैं उसके चलते हुए बाहर किए गए, तो फिर आप स्वयं जान सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है आपके सामने। दोस्तों, फिर मौका क्या है, सबसे बड़ा मौका है वर्ग तीन। आपने एक सपना जिया है 2018 से लेकर 2021 तक, और वही सपना मैंने भी आपके साथ जिया ही है दोस्तों। इस चैनल अतुल कुमार शर्मा के कोई उद्देश्य पूछता था ही नहीं, आज भी नहीं है। आप स्वयं देखें, मैंने कभी भी आपको कूपन कोड नहीं बताया, मैंने कभी आपको कोर्स नहीं बेचा, मैंने कभी भी कोई पेड प्रमोशन नहीं किया।
उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सिर्फ एक, कि सही नियमों की आपके पास जानकारी पहुंचे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो की जो तैयारी कर रहे हैं, एक राजपत्र पद पर जा रहे हैं, क्या उन्हें नियम समझाने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जो हमारा स्वाभाविक ज्ञान होता है, वो हमारे काम नहीं आता है। और जहाँ पर मैंने देखा कि वर्ग एक और वर्ग दो वाले डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेकर, पहले तो उनमें ये डर था कि वर्ग एक और वर्ग दो के एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे, वो डर दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस डर के चलते वो पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे। बहुत से लोगों ने उस डर पर विजय प्राप्त की। फिर बहुत से नियम ऐसे आ गए, चाहे मैं 28/8/2018 की आदेश की बात करूं, उसके बाद वर्ग एक और वर्ग दो की नोटिफिकेशन की बात करूं, समय समय पर जारी विभिन्न आदेशों की बात करूं, ऐसे काफ़ी नियम आ गए जिनकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए थी। यदि वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए था कि लास्ट में हमें ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उन्हें आपके पास लाना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नियमों के जानकारी के अभाव में आज जो है बहुत से लोग बाहर हो रहे हैं। और इसका मुझे इतना दुख हो रहा है दोस्तों, क्यों हो रहा है मैं आपको कारण बता देता हूँ, कि कहीं ना कहीं मेरी कमी रही, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों तक नहीं पहुँच पाया, और सही से व्याख्या करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझा पाया, क्योंकि सामने जो बहुत से लोग होते थे वो कहीं ना कहीं कहीं से सुनी सुनाई बात को टाइप करते थे, और एक बहस में वो बात हमारी उलझ के रह जाती थी। और मैं ये कहता था कि बहस मत करो, नियमों को समझो, मैं जो आपको सामने आदेश बता रहा हूँ उसे आप स्वयं डाउनलोड करो, स्वयं समझो। यदि कोई एक्सपर्ट है आपके फील्ड में, या फिर कोई लॉ जानने वाला है, कोई वकील है, तो उसे भी वो नियम दिखाओ और समझो कि हम इस नियम के तहत क्या लास्ट में ज्वाइनिंग पा सकेंगे, तो वो आपको सही गाइडेंस देंगे। मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन मैंने आपको एक रास्ता बता दिया है कि इस नियम का ये प्रभाव हो सकता है। अतिथि शिक्षक भाई बहन जिन्होंने अतिथि रहते हुए ही अपनी जो है अनुभव अर्जित किया था, उनका अर्जित अनुभव अमान्य किया गया। दोस्तों, आप मुख्यालय से दूर रहकर किसी भी संस्था से रेगुलर बीएड कर रहे हैं और मुख्यालय के आसपास स्कूल में आप अध्यापन करा रहे हैं, तो वो जो आपके 200 दिन और 3 सत्र हैं वो नहीं माने जा रहे। और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि वो 200 दिन और 3 सत्र के चलते ही वो जो थे चयन सूची में आए थे, तो वहाँ उन्हें अनुभव का लाभ नहीं मिला। गेस्ट टीचर के साथ कितनी बड़ी विडम्बना ये हुई, और इसी के लिए भी मैं काफ़ी लाया, लेकिन गेस्ट टीचर थे वो शायद इस बात को नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझा पाया, या फिर बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी भ्रमित फैलाई जाती हैं कि उनमें इंसान उलझ ही जाता है। और अब मैं आपको, बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर जो रिजेक्ट हो गए वो क्या करें, एक बात ध्यान रखें, आपकी योग्यता आपसे कोई नहीं छीन सकता। नियम के चलते ही रिजेक्ट हुए ना, आपकी योग्यता तो पूर्ण है ना, आपने कठिन कंपटीशन निकाला है, चाहे वर्ग एक की बात करें, वर्ग दो की बात करें, आपने कठिन कंपटीशन निकाला है, वो नॉलेज आपके पास है, आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे, नियम अनुसार फॉर्म फिल करेंगे, और उसमें यदि आप अपना 100% देंगे, जो कि आपने दिया वर्ग एक और वर्ग दो में दिया, वही 100% देंगे, आपका चयन सूची में नाम आ जाएगा। हम बात करें मध्य प्रदेश की, वर्ग तीन आपके सामने है, पूरा मौका है आपके सामने, नियम आप जानते ही हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें सभी नियम लिखे हुए हैं, तो उसकी तैयारी करें, अपने अंदर हीन भावना ना आने दें, क्योंकि जिनका भी चयन हुआ है, मैं आपको एक और उदाहरण देता था, हम जो भी चयन सूची में हैं दोस्तों, इनकी भी यदि आप बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो इन्होंने भी काफ़ी फेलियर झेला है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ही ये एग्ज़ाम दिया है और चयन सूची में आ गए हैं, सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हैं और अब इनकी ज्वाइनिंग हो रही, नहीं, काफ़ी लाइफ में धक्के खाए हैं इन्होंने। और मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि जो भी अभी चाइनीज़ शिक्षक हैं या फिर जो प्रतीक्षा सूची में हैं,
वो सभी का एक बड़कपन है कि मुझे वो फैमिली मेंबर मानते हैं और उसी हिसाब से वो हर एक अपनी छोटी छोटी बात मुझसे शेयर करते हैं और उन छोटी छोटी बातों से मैं उनकी जो लाइफ है उससे जुड़ पाया और उनके विषय में काफ़ी कुछ जान पाया। बहुत कुछ झेलते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यदि आप किसी भी नियम के चलते बाहर हुए हैं और गलत तरीके से बाहर हुए हैं तो आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। तो इसमें तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अब हम मौका नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन कुछ नियम ही है ऐसे हैं जिनके चक्कर में आप सच में बाहर हो रहे हैं, तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है। एक बात सोचें कि कठिन एग्ज़ाम में आप जब चयन सूची में नाम ला सकते हैं तो किस एग्ज़ाम आपके सामने इतना बड़ा होगा जिसमें आप नाम नहीं ला सकते। हर एक एग्ज़ाम को आप अब क्रैक कर सकते हैं, आपकी योग्यता उस लेवल तक पहुंच चुकी है और ये योग्यता जो है आपकी कड़ी मेहनत, वर्षों तक अध्यापन और अध्ययन करने पर ही प्राप्त हुई है। आपने स्कूलों में अध्यापन कराया, चाहे प्राइवेट में कराया हो, चाहे गवर्नमेंट में एज ए गेस्ट टीचर कराया हो, खुद अध्ययन किया है तो उस फील्ड से जुड़े हुए हो। आज का जो शिक्षक है उसे अतुल कुमार शर्मा यदि मार्गदर्शन करेगा तो ऐसा लगेगा कि सूरज को मैं दीपक दिखा रहा हूँ, आप स्वयं सूरज हो जिसकी रोशनी में न जाने कितने अतुल कुमार शर्मा जैसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि मैं भी जो बना हूँ अपने गुरुजनों की वजह से ही बना हूँ, आप जैसे लोगों की वजह से ही बना हूँ। तो आपको यदि मैं कुछ भी कहूँ या मोटिवेशन वीडियो या कुछ भी मोटिवेटेड करूँ तो वो ऐसा होगा कि सूरज को मैं दीपक दिखा रहा हूँ। आपकी योग्यता कमाल की है, आपने वर्गीय को वर्गों में चयनित हुए हैं, कुछ नियम हो गए होंगे, कुछ हो जाता है कभी कभी, इसे ही कहते हैं किस्मत कि मेहनत तो पूरी की थी लेकिन शायद किस्मत में नहीं था इसलिए रिजेक्ट हुए। किस्मत से भी ऊपर उठो आप, जो आपने मेहनत कंटिन्यू की है वो किसी और एग्जाम में लगा दो, कुछ भी पार कर सकते हो आप। मैं कहता हूँ कि सिविल सेवा हो या कोई भी एग्जाम हो आप पार कर सकते हो। वर्ग एक में आप चयनित हुए हो, वर्ग दो में चयनित हुए, कोई भी एग्जाम अब आपके सामने आ जाए आप उसे क्रैक करके एक सीट हासिल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अपने को अप्रिसिएट करने की आवश्यकता है। बहुत कम लोग हैं जो इस वर्ग एक और वर्ग दो को क्रैक करके चयनित लिस्ट में अपना नाम लाए हैं, उनमें से आप भी एक हैं। तो ये ना सोचें कि आपकी योग्यता में कहीं से कहीं तक कोई कमी है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वर्ग तीन सामने है, यूपी टेट सामने है, आर टेट सामने है, कॉलेजों में वैकेंसी निकलती है, सी टेट के क्वालिफाइड किया है तो काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं। योग्यता आपके पास है, सबसे बड़ी चीज़ होती है योग्यता, आज के ज़माने में ढूंढे ढूंढे नहीं मिलती है, आप में है। कोई भी फार्म फिल कर देना बहुत आसान सी चीज़ है, आपने वर्ग एक और वर्ग दो में चयनित लिस्ट में नाम लाए हैं, आपकी योग्यता काफ़ी अच्छी है। हाँ, रिजेक्ट हुए हैं किसी नियम के चलते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मन में दुख होगा ही। 2018 से 2021 तक एक सपने को ही तो जी रहे थे, वो सपना जब पूरा नहीं होता है तो दुख तो होगा। यदि हम इंसान हैं तो दुख होना स्वाभाविक सी बात है। दुख उससे नहीं होता जो शायद इंसानियत भावनाओं से ऊपर उठ चुका है, लेकिन हम तो साधारण इंसान हैं, हमें दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर फिर से प्रयास करें। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यही है कि आपकी योग्यता में कमी नहीं है, आपके संघर्ष में कमी नहीं है। वर्ग एक और वर्ग दो में किसी नियम के चलते बाहर भी हुए तो क्या हुआ, इससे बड़ी जॉब आप प्राप्त करेंगे। अपने ज्ञान को समेटें और फिर तैयार हो जाएं एक बड़े युद्ध के लिए। इस युद्ध में आप 100% जीतेंगे। यहाँ आप नियमों के चलते हारे हैं, अगले युद्ध में आप संपूर्ण नियम को पढ़ के जाएं और आप उस नियम में बिल्कुल सही आ रहे हैं, फॉर्म फिल करें और 100% आपको जॉब मिलेगी। आज का वीडियो कुछ नॉलेजेबल था कि नहीं था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर से जो बात निकली मैंने रिकॉर्ड कर दिए। कहाँ तक मैं सफल हुआ वो तो आपके कमेंट ही बताएंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।